हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्जिस किचन। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज का हमारा स्पेशल है बेबी कॉर्न मंचूरियन। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी तरीके से कैसे बनाते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ना हमें बेबी कॉर्न को साफ करके उसे बॉईल कर लेना है। बेबी कॉर्न को जो है एक 10 मिनट तक उसे ऐसे ही बॉईल करते रहेंगे हम। बॉईल हो चुका है जो है, इसे स्टैंड कर लेना है और इस तरीके से पीसेस कट कर लेना है इसके। इसके अंदर जो है मैंने 2 चम्मच आल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, 2 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से इसके अंदर जो है थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। अब जो है इसके अंदर थोड़ा सा नमक को भी ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि बेबी कॉर्न बिल्कुल भी गर्म ना हो, पूरी तरह से ठंडा हो जाना चाहिए बेबी कॉर्न। इसे जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके बेबी कॉर्न पे ये जो कॉर्नफ्लावर है नहीं चिपका है तो थोड़ा सा पानी यूज़ करके इसे अच्छे से मिक्स कर ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी, एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है, उसे अच्छे से गर्म होने देना है। ऑयल देखिए यहाँ पे ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब एक एक करके हम मिक्सड बेबी कॉर्न्स को इसके अंदर डाल देंगे। इसको जो है मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे बेबी कॉर्न जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेंगे हम दूसरे प्लेट में। इसी तरीके से सारे बेबी कॉर्न्स को जो है डीप फ्राई कर लेंगे हम। इसके बाद जो है एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, उसे गर्म होने देंगे। अब थोड़े कटे हुए लहसुन को डाल देंगे, इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब जो है इसके अंदर हरी मिर्च को डाल देंगे, इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे बड़े प्याज को जो है बड़े बड़े कट करके फ्राई कर रही हूँ, और शिमला मिर्च को भी डाल देंगे, इसको भी बड़े बड़े ही कटेंगे हम। अब जो है थोड़ा सा नमक को ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। नमक जो है थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि हमने बेबी कॉर्न में भी नमक को मिलाया हुआ है। इसके अंदर पेपर पाउडर भी डाल देंगे थोड़ा सा। इन सारे चीज़ों को ना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको 50% ही पकाएंगे। थोड़ा सा विनेगर को भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो है इसके अंदर चिल्ली सॉस को ऐड कर लिया है, और उसी तरीके से टमाटो सॉस को भी ऐड कर लेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो है थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल के अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर में और पकाएंगे। बाउल में जो है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और पानी को मिक्स करके एक लिक्विड बनाया है, उसे भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर का लिक्विड डालने से ना हमारे मंचूरियन जो है एकदम ज्यूसी लगेंगे, थोड़ा सा थिक भी बन जाएंगे। इसके अंदर फ्राइड बेबी कॉर्न को भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है और एक 5 मिनट इसको पकाएंगे। देखिए रेडी हो चुका है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल बेबी कॉर्न मंचूरियन। गर्मा गर्म बेबी कॉर्न मंचूरियन रेडी हो चुका है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। Thanks for watching. Please subscribe our channel.